वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने अनाज मंडी में दिव्यांगों व बीपीएल परिवारों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि 5 साल पहले देश व प्रदेश की जनता ने सत्ता में बदलाव किया था और हमने इन 5 सालों में व्यवस्था बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने राज व्यवस्था के मायने बदलते हुए यह नई परिपाटी शुरू की है कि सरकार मालिक नहीं है बल्कि जनता की सेवक ही है। इस अवसर पर उन्होंने 83 दिव्यांगनों को बैटरी 40 मोटराइज्ड डाई साइकिलों तथा 700 परिवारों को नई बीपीएल स्मार्ट राशन कार्ड वितरित किए। वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएल परिवारों को सर्वे आगे भी जारी रहेगा और पात्र परिवारों को बीपीएल कार्ड उपलब्ध करवाकर सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान बीपीएल सूची में दर्ज किसी भी परिवार को सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने स्टॉल लगाई जिन पर दिव्यांगनों के पंजीकरण का कार्य किया गया। गांव में पहुंचने पर लोगों ने वित्त मंत्री का भव्य स्वागत किया। सुरेंद्र नंबरदार व होशियार खांडा खेड़ी में उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का सर्वे चल रहा है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक विशेष नंबर व स्मार्ट कार्ड देकर सरकार इन्हें पहचान देगी ताकि सभी लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। प्रदेश के एक एक बच्चे व बुजुर्ग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जन्म के साथ ही बच्चे का आधार कार्ड बनाने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि अब वह समय चला गया जब सरकार का अर्थ राजा या मालिक बनना समझा जाता था। यह सरकार जनता की सेवक बनकर जनहित के कार्यों में लगी हुई है। हमारा मानना है कि सरकार के खजाने में जमा एक एक पैसा जनता के खून पसीने की कमाई का धन है जिसे जनता के हित में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे पहले यह धनराशि खुद बुर्द की जाती थी। वित्त मंत्री ने कहा कि जनता को तय समय में घर के पास ही सेवाओं व योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अटल सेवा केंद्र, अत्योदय सरल केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान चलाए गए हैं जिनके सुखद परिणाम भी आज मिल रहे हैं। स्वर्णिम भविष्य के लिए पर्यावरण व जल संरक्षण जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पालतू पशुओं का रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत करने व संस्थागत डिलीवरी जैसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा है कि यह सब शीर्ष स्तर पर व्यवस्था में सुधार का जज्बा है जिससे देश व प्रदेश को नई शासन व्यवस्था मिली है। यही बदलाव की बयार है। आज मुझे बहुत खुशी है कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 83 ऐसे निशक्त जन हैं जिनकी 80% दिव्यांगता के कारण से उनको ट्राई साइकिल पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पिछले दिनों भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग के सहयोग से राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से हमने नारनौंद के अंदर एक बहुत बड़ा एक शिविर लगाया था जिसमें दिव्यांगजनों को अनेक प्रकार के इक्विपमेंट और सुविधाएं देने का काम किया था। वहां पर जब ये ध्यान में आया कि 83 ऐसे निशक्त जन हैं जिनको ट्राई साइकिल पर चलना और उनको ट्राई साइकिल देने का जब हमने शुरू किया तब हमने फैसला किया कि आज के इस युग में हम ये ट्राई साइकिल ये मोटराइज क्यों ना दें। और मुझे बड़ी खुशी है कि 10 दिन के भीतर भीतर हमने जो निर्णय किया था जिला प्रशासन ने 83 ट्राई साइकिल देश भर से मंगा करके आज नारनौंद के प्रत्येक निशक्त जन को वह मोटराइज ट्राईसाइकिल देने का काम किया है। यह वास्तव में बहुत ही संतोष देने वाला कार्य है और बहुत ही पुण्य कार्य आज जिला प्रशासन ने यहाँ पर संपन्न किया है। जी, हमारे हरियाणा प्रदेश में हमने जो नया बीपीएल सर्वे करवाया है उसके जो प्रथम चरण में जो सूची आई है हमने आज यहाँ पर लगभग 700 के करीब अपने क्षेत्र के बीपीएल कार्ड का वितरण किया है। वहीं साथ साथ ये बीपीएल कार्ड का सर्वे निरंतर चलता रहेगा और कोई भी पात्र जिसको बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए जब तक एक एक पात्र को बीपीएल कार्ड नहीं मिल जाएगा हम ये सर्वे बंद नहीं करेंगे। और पहले किसी का बीपीएल कार्ड है तो वो बीपीएल कार्ड उसका बदस्तूर पहले की तरह से कायम रहेगा, चलता रहेगा, उसका काटा नहीं जाएगा।
जी जन आशीर्वाद यात्रा में कल बीजेपी के टिकट प्रत्याशियों के लद घुसे चले सीएम के आने से पहले, यानी बीजेपी में ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है और इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। वे कुछ स्थानीय आपस के अंदर कुछ लोगों का व्यक्तिगत जो है उनका आपस में द्वंद्व था, ना कि कोई टिकट को लेकर के या संगठन को लेकर के कोई विषय नहीं था, वो आपस में कुछ लोगों का अपना विवाद था। जहाँ तक संगठन की बात है, भाजपा एक अनुशासित संगठन है और अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता हम नहीं करते हैं। जी प्रदेश में एक महागठबंधन की तैयारी चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जब इस प्रकार से देश में अमृत मंथन हो रहा हो, देश की राजनीति आज मंथन की प्रक्रिया से गुजर रही हो, तो जो लंबे समय से कायम परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और छदम पंथ निरपेक्षवाद और तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही थी, आज ये तमाम प्रकार के वाद ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह आसुरी शक्तियाँ फिर से अपना फन उठाने के लिए, वह परिवारवादी लोग, वह जातिवादी लोग, वह इकट्ठा होकर के एक बार फिर से जो भारत के मजबूत होते लोकतंत्र के सामने बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं, वो इकट्ठा होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन देश की जनता जागरूक है, देश की जनता अब समझदार बन चुकी है, देश का नौजवान अब किसी परिवार की गुलामी करने को तैयार नहीं है, देश का नौजवान अब फूट डालो राज करो के जो सिद्धांत पर चलने वाले लोगों की सच्चाई को जान चुका है। अब देश की नई पीढ़ी ये सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है और देश की नई पीढ़ी ये चाहती है कि अब हमारे जनप्रतिनिधि, MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तक ये कोई राज खानदानों से ना आकर के ये सामान्य गांव गरीब परिवारों से निकल करके अपने राष्ट्र का निर्माण करें। ऐसे में कितने ही वो लोग इकट्ठे हो जाएं, वो हार निश्चित है और निश्चित तौर पर राष्ट्रवादी राष्ट्र को निर्माण करने वाली शक्तियाँ जीतेंगी, देश जीतेगा, जनता जीतेगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।